एवरीवन, हियर इज द पार्ट 3 ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब हम देखेंगे कि पॉइंट्स को प्लेन के ऊपर प्लॉट कैसे करना है। इसको हम एक क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ द लाइन x डैश ओ एक्स एंड y डैश ओ वाई एज एक्सिस ऑन द प्लेन ऑफ अ पेपर एंड प्लॉट द पॉइंट्स। ये सारे पॉइंट्स को आप पेपर के ऊपर प्लॉट करना है, यानी कि आपके ग्राफ पेपर के ऊपर। सबसे पहले कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे। फाइव थ्री, फाइव एक्स है, थ्री वाई है, यानी कि फाइव यूनिट्स ऑफ एक्स एंड थ्री यूनिट्स ऑफ वाई। तो ये कुछ यहां बनेगा पी पॉइंट। इसके साथ इसके कोऑर्डिनेट्स भी लिखने हैं। सेम क्यू, माइनस थ्री एंड टू, माइनस थ्री ऑफ एक्स एंड टू यूनिट्स ऑफ वाई। नेक्स्ट आर, माइनस फाइव ऑफ एक्स एंड द माइनस फोर ऑफ वाई। माइनस फाइव माइनस फोर एस, टू यूनिट्स ऑफ एक्स एंड माइनस सिक्स यूनिट्स ऑफ वाई। सो दिस इज योर एस, टू माइनस सिक्स। ये पूरा कार्टेशियन प्लेन आपको ग्राफ पेपर पर ही ड्रॉ करना है, तभी उसके मार्क्स मिलते हैं। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सेकेंड क्वेश्चन, ड्रॉ द क्वाड्रिलेटरल हूज वर्टिसेस आर द फॉलोइंग। ये सारे वर्टिसेस दिए हैं और इसका क्वाड्रिलेटरल बनाना है। सबसे पहले सेम कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे, बट ध्यान रखना है कि हमें यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंगली बनाना होता है। तो जो हमारे y है वो हमारा मैक्सिमम ऑफ 5 जा रहा है और जो x है वो हमारा मैक्सिमम ऑफ 7 जा रहा है, तो हम उसके अकॉर्डिंगली ही ग्राफ बनाएंगे। ये ग्राफ कुछ इस तरीके का दिखेगा। अब हम इन सारे पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। सबसे पहले इनकी नेमिंग कर देते हैं। से ये आपका j, k, l और m हो गया। सबसे पहले j को प्लॉट करेंगे, माइनस वन ऑफ x एंड माइनस वन ऑफ y, x का माइनस वन और y का माइनस वन। तो ये आ गए यहाँ पर j। इनके कोऑर्डिनेट्स को लिखना ना भूलें, अगर आप नहीं लिखोगे ये चीजें तो ये आपके मार्क्स कट जाएंगे। k इज माइनस सेवन माइनस वन, x माइनस सेवन है और y आपका माइनस वन है, सो दैट इज योर k। l माइनस फोर थ्री, माइनस फोर एक्स, थ्री वाई, एल माइनस फोर थ्री। m माइनस फोर माइनस फाइव, सो माइनस फोर ऑफ x एंड माइनस फाइव ऑफ y। m माइनस फोर माइनस फाइव। अब इसका क्वाड्रिलेटर कैसे बनाएंगे? इन सारे पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करके। यहां से ये ऐसे ज्वाइन हो गया, ये इधर ज्वाइन किया, इधर और इधर, यानी कि आपका जे एम के एल, ये आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल हो गया। आप इसकी फाइनल स्टेटमेंट लिख दीजिए फिर, दस जे एम के एल इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। अब आप इसमें एक चीज नोटिस करिए, अगर यहाँ पे चार पॉइंट्स थे, प्लॉट करने के बाद फोर साइडेड फिगर है, दैट इज अ क्वाड्रिलेटरल। अब वो कोई भी हो सकती है, स्क्वायर, रेक्टेंगल, कुछ भी। सेम अगर यहाँ पे फाइव पॉइंट्स होंगे तो वो फाइव साइडेड फिगर आएगी, दैट इज पेंटागन। सो नंबर्स के अकॉर्डिंगली, यानी कि कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंगली आपकी नंबर ऑफ साइड होंगी। अरे अरे वेट, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर कोई भी डाउट या कोई क्वेरी हो तो आप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि नेक्स्ट पार्ट मिस ना हो। थैंक यू।